Hello everyone, I'm Gitika and welcome to our channel World Cinema Wines. I hope हमने आप सबको ज़्यादा वेट ना करवाया हो. तो चलो स्टार्ट करते हैं विद our न्यू मूवी रिकमेंडेशन Requiem for a Dream, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म है और ऑब्सेशंस और ड्रग एडिक्शंस पे बेस्ड है. इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8.3 है. डायरेक्टेड बाय डैरन अरोनॉफ्स्की, जो साइकोलॉजिकल मूवीज बनाने में एक्सपर्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्लैक स्वान इनकी अनदर मास्टरपीस फिल्म है. रेक्वियम फॉर अ ड्रीम की लीड कास्ट में जैरेड लीटो एंड जेनिफर कॉनली हैं. मूवी सिर्फ ड्रग एडिक्शंस पे बेस नहीं है, मूवी में और भी एडिक्शन और ऑब्सेशंस दिखाए हैं, जैसे एक औरत का वेट लॉस करने का ऑब्सेशन. मूवी का प्लॉट 4 कैरेक्टर्स की स्टोरी पे बेस्ड है, डिफरेंट तरह की ड्रग एडिक्शंस और ऑब्सेशंस को फेस कर रहे हैं, और यही चीज़ इन कैरेक्टर्स को ट्रैप कर देती हैं इनकी एडिक्शन वर्ल्ड में. मूवी का प्लॉट काफ़ी रियल है, क्योंकि हम सब किसी ना किसी वे में एडिक्टेड हैं किसी ना किसी सब्सटेंस के, और ओवर अ लॉन्ग पीरियड कोई भी एडिक्शन हो, एंड में वो हमें ही हार्म करता है, फिजिकली, मेंटली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दोस्तों, रेक्वियम फॉर अ ड्रीम एक डार्क फिल्म है और ये एक अडल्ट फिल्म है, सो प्लीज़ अबव 18 ही इस मूवी को देखना. रेक्वियम फॉर अ ड्रीम मूवी को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रीमियर किया गया था. कास्ट में एलन बर्स्टिन को अकेडमी अवार्ड नॉमिनेशन भी मिला. अगर आपको भी डार्क फिल्में अच्छी लगती हैं तो ये फिल्म आपके लिए ही बनी है. सो गाइस, जस्ट गो एंड टेक अ वॉच रेक्वियम फॉर अ ड्रीम. उम्मीद करती हूँ आप सभी को भी ये फिल्म बहुत पसंद आए, और इसी के साथ हम भी लेते हैं विदा. Like, share and subscribe to our channel.